मत बनो राजू, ये मेंढक दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों। सब तैयार, 1 2 3। संभालो, जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। कालिया, टिंपू कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो यही था। बात करो। ये बच्चा हमारा है। हमें वो इसे इसकी माँ के पास वापस ले जाना है। मैं इसका ध्यान बताता हूँ और तुम डिंपू को उसे ले लेना। संभल के भीम। ये बहुत बड़ा है भीम। उदास क्यों हो?
जग्गू, पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा के स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो चंदा मामा की खोज में। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर अभी चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढ कर वापस धरती पर आ जाएंगे। अलविदा बच्चों। अलविदा। अचानक कितनी गर्मी हो रही है। लगता है कोई रो रहा है। अरे चंदा मामा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तुम सब कौन हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। हम धरती से आए हैं। हाँ, और पिछले 3 रातों से आप दिखाई नहीं दिए तो हम आपको ढूंढने निकल गए। हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मौज। अचानक इतनी ठंड लग रही है। ढोलू, वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो, इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। वाह, चंदा मामा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना, मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चलो चलो, हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा, हम आपसे मिलने फिर जरूर आएंगे। अलविदा चंदा मामा, आप हो सबसे प्यारे। अलविदा दोस्तों और शुक्रिया। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या?
हाँ ठीक है ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद आधी परेशानी क्यों, हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरो? कालिया तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए, सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है, चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे। और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ रसाकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रसाकसी ठीक है, मंजूर है। और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों मदद करो। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद हमसे नहीं हो रहा है। भीम ही हमारा उस्ताद है। ये भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ मुझे मुझे चांद चाहिए। ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अकल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा मेरा चांद। अब
यकीन है कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का सबसे कामयाब लेखक, लेकिन पूरे राज्य में कैसे लोग पढ़े हैं, कोई मेरी कहानियां पढ़ना ही नहीं। अब देखना। अच्छा गुजरेगा हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और मेरा दिन? आज यात्रा का संकेत है। मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ आ गया था, अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता, तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी, फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के आऊंगा। आसमान से एक तेज आते हूँ। तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। निकलो यहाँ से। देखा राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे। कहीं में एक जबरदस्त लेखक हो तो। रुको, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, बुरा मान गए। बैठो ना। एक मिनट, अपनी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया, मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। जैसे चांद को देखा। रायचुमान ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक। बाय बाय मेरे छोटे वीर। और वो सात बच्चे।
हमेशा हमेशा के लिए कुल हो गए मेरी दुखद कहानी। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। अब तुम जेल में जितना चाहो लिख सकते हो मेरी कहानी। चाहिए बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर वो तो मैं ही हूँ, सब कहते हैं कि मैं। मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। हम ये क्या, तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर जादू जो मैं चाहूं मैं बन जाऊं। सुनो। जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो,
पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। शुक्रिया भीम। महाराज हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था। तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्र वर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्र वर्मा का इलाज कर सकती है। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। क्या सब रेस के लिए तैयार है? जबकि हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू भोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भी तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया, मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। Hit!
वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए।